हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब। आज मैं आपको जो संस्कृत का एक मॉक टेस्ट है, मॉक पेपर है, वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो पेपर है ना वो कैसे आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर संस्कृत के ऊपर भी कोई मॉक पेपर बताइए, तो जो इशू किया गया है उस पेपर को ही मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, मैंने अभी ना एक सिलेबस की वीडियो बनाई थी, तो आप सिलेबस भी ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का, ठीक है, उससे पता लग जाएगा क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। पेपर कैसा आएगा, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने ये इश्यू किया है पेपर, तो सबको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और एक मेरी और रिक्वेस्ट है, जैसे जिन्होंने तैयारी कर ली है तो वो अपने अपना आंसर सोचे, और जिन्होंने नहीं भी करना वो भी अपने आंसर सोचे और एक पेज पे लिखें कि उनके कितने सही निकलते हैं। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर मेरे इतने सही थे। कोई बात नहीं, अगर इसके 4 भी ठीक हैं, 40 भी ठीक हैं, तो ज़रूर बताएँ, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो की वैल्यू है, कोई देख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना वो संधि या संधि विच्छेदम से रिलेटेड है, मतलब या तो आपको जोड़ना है या आपको उसको अलग करना है। ठीक है, 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो आप फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, कि ये जो ब्रैकेट में किया गया ना, इसका जो है आपको संधि विच्छेद करना है, तो बताइए क्या होगा। आपको मैंने कहा आप कॉपी पेन लेके रखना, आंसर गैस करना। ठीक है, तो तवा जमा करने होगा, तव जमा अकरने होगा, तव जमा वाकरने होगा, या तवा जमा अकरने होगा। ठीक है, तो अब मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक के सोच लेना जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो वीडियो में जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर खा है। ठीक है, तो जिन बच्चों का खा था वो एक मार्क्स दे देना ईमानदारी से, अपनी शीट पर लिखते रहना। ठीक है, और मैं जल्दी KVS का एक साइंस का पेपर भी इशू कर दूंगा, मतलब इशू कह रहा सॉरी, मतलब जो पेपर हो गया उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टाइम कम मिल पा रहा था तो इसलिए लेट हो गया। ठीक है, चलो तो उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड दिखाता हूँ। सेकंड देखिए, सेकंड ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको संधि करनी है सूर्य जमा उद्यात। जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उतनी देर में आप आंसर करिए। ठीक है, तो इसको आपको जोड़ना है पाग ग्रामत बही अगंतव्यम, तो आपको यहाँ पे जो सूर्य जमा उद्यात दे रखा है इसको जोड़ना है आपको। तो बताइए क्या आंसर होगा, सोचिए जल्दी से। तो जब ऊ होता है ना, जब ऊ होता है यहाँ पर, तो हम उसको ओ बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा। अब आप देखोगे बहुत जगह ओ है, आपको एग्जैक्ट चेक करना है, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है ना, तो बड़े ऊ वाला ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो जो कटे वो काटना करो। तो इसका आंसर जो है वो है क। ठीक है, सूर्य रो दयात। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो ओ की मात्रा हो जाती है, तो यहाँ पर तो ओ आया ही, यहाँ पर ओ आया। ठीक है, तो यहाँ दा पे आकर डंडा लगा दिया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क। तो हल्का हल्का डिफरेंस होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, लिखते रहना आंसर। जो थर्ड क्वेश्चन है, अब आपको इसमें संधि विच्छेद करना है। ये लिखा है तद्दीनात। ठीक है, तो अब आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर अब मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है तत् जमा दिनात। ठीक है, त थ द, जब द होता है, ठीक है, तो जो शुरू में होता है ना क वर्ग च वर्ग त वर्ग, तो त लगाना पड़ता है अलग करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ख। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको शिवास्ते संतु पंथान, तो आपको यहाँ पर शिवास्ते जो है ना उसको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो शिव जमा अस्ते इसका आंसर हो जाएगा, या शिवा जमा अस्ते होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा शिवा जमा ते। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर शिव जमा अस्ते वाला तो ऑप्शन नहीं था, इसका ये आंसर है शिवा जमा ते। ठीक है, ये जो विसर्ग है इसका आधा सा बन जाएगा जब इसको जोड़ेंगे, तो ये तो इसका घ आंसर है। ओके, तो जितने सही होंगे आप लिखते रहना ईमानदारी से। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन,
जो फिफ्थ क्वेश्चन आएगा ना तो वो प्रश्न नंबर दो के अंदर आएगा, ठीक है। अब नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ना, तो ये जो नया क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे बोला गया है कि शब्द रूपाधारेण उचित विभक्ति चिन्हित, ऐसे आपको पेपर भी आएगा, तो आपको जो है उचित विभक्ति को चुनना है, शब्द रूपेण आते हैं ना उसमें उचित विभक्ति को आपको बताना है। तो पांचवा क्वेश्चन देखो आप, तो यहाँ पर आपको उचित विभक्ति बताने की विभक्ति कौन सी आएगी, डैश विद्यालय आनंदेन क्रीडन्ति स्म, बताइए क्या आएगी, कौन सी विभक्ति आएगी, बालकेन आएगी, बालका आएगी, बालका नाम आएगी। तो देखो मैंने एक विभक्ति के ऊपर वीडियो बनाई थी सिक्स क्लास के बच्चों के लिए, तो वो एक बार देख लोगे ना तो बेनिफिट होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, उसमें सारी विभक्ति के रूल लिखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा बालका, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, अब ये सिक्स क्वेश्चन है, अध्यापिका डैश प्रश्नम पृछति, बताइए क्या आएगा, छात्रया छात्रा भी छात्राम या छात्रासु, सोचिए जल्दी से, छात्रों से ना छात्राम आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर गा था, ठीक है। अब उसके बाद सेवन क्वेश्चन देखते हैं, सेवन क्वेश्चन में डैश नित्यम देवम नमामः, ठीक है, मतलब यह नमामः को देखना है कि आपको बताना है कौन सी भक्ति बता रहे हैं, एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन की, तो उसके अनुसार आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सातवें में आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, वयम, ठीक है। अगर एक होता, एक जना होता तो अहम आ जाता, ठीक है, तो वयम आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आठवां, आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवें में आपको बताना ए तो डैश समय विद्यालयम आगच्छत, तो इसमें आंसर क्या आएगा आठवें का, इसमें आएगा बालको, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आएगा, उसमें देखिए आप, जो नाइन्थ क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि क्रिया पदानी चित्वा वाक्यानी पूर्यत, मतलब यहाँ पे जो क्रिया के जो पद हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताने हैं, उसको पूरा करना है, ठीक है। उचित लकारण, उचित लकार आपको लगाना है ताकि क्रियापद जो है वो लग सके और वो वाक्य पूरा हो सके, ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, अद्य विद्यालय अधिका छात्रा ना डैश, तो अब आपको यहाँ पे क्रियापद भरना है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आज विद्यालय में अधिक जो छात्रा ना डैश नहीं आए हैं, तो अब आपको पहचानना है कि ये क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ बहुवचन के लिए यूज़ किया गया है, और बहुवचन में क्या यूज़ होता है आपको इन चारों में से बताना है, ठीक है। आपने सोच लिया क्या होगा, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका आएगा संति, ठीक है। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है, कह रहा अहम नित्यम स्रोतम डैश, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है कि जो स्रोत है ना वो मैं रोज़ पढ़ता हूँ, जब अहम आता है ना तो वहाँ पर एक वचन है, और ये ठीक है मी, जब अहम आया तो मी लगाया जाता है, पठामी आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सा होता, ठीक है, मतलब वह, तो यहाँ पर हम क्या लगाते, ती लगाते, ठीक है, थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं, है ना, इन संस्कृत में उसे ऊपर लिखा जाता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष होता है ना, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे तोम वगैरह आता तो हम सी लगा देते, सी लगाते, ठीक है। तो उसके बाद अब ग्यारहवा देखिए पहले, ठीक है, उल्टा हो गया है ना, आगे पीछे हो गया, तो पहले ग्यारहवा देखिए, किम त्वम अपि गणित डैश, तो मैंने अभी आपको बताया जब त्वम लिखा आता है तो हम क्या लगाते हैं, सा या सी, इस तरीके से लगाते हैं, तो यहाँ पे सी वाला कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है, आपको खुद चेक करना है। बारहवा देखिए, ग्रीष्मकाल अपि कृषका क्षेत्रे कार्य, तो देखो ग्रीष्मकाल में भी जो किसान होते हैं क्षेत्र में कार्य करते हैं, ठीक है, तो किसान बहुत सारे हैं, बहुवचन है नहीं ये, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कुर्वंती आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए थर्टीन क्वेश्चन पर, थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं, और थर्टीन क्वेश्चन से पहले इसका जो टॉपिक है वो किस पर है, उपपद विभक्तिम आश्रित उचित पदानी विकल्प है चुनित,
आपको यहाँ बोला गया कि यहाँ पे आपको विभक्ति जो है ना, आपको आप जो यहाँ सही लगती है वो आपको यहाँ पर भरनी है। मतलब एक तरह से आपको सब्जेक्ट के रूप में बताना है क्या आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पहला है 13, डैश परित वृक्ष पुष्पिता संति। बताइए किसके चारों ओर जो है वो वृक्ष फूल जो है वो हैं, ठीक है। किसमें उद्यान से क्या आएगा यहाँ पर, उद्यानम, उद्याने क्या आएगा यहाँ पे, उद्यानम आएगा इसमें, ठीक है। 13 का आंसर क्या है, ग, ठीक है। आप देखते रहना आपके कितने सही निकलते हैं, ठीक है। फिर ये 14 है, रोगी डैश सह फलम अपी खादती। तो जो रोगी है वो डैश के साथ फल भी खाता है, ठीक है। तो आप इसका बताएंगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो शीरेण आएगा, क्या आएगा, शीरेण, ठीक है। शीरेण, शीरेण भी खाता है फल भी खाता है वो, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद जो है, अच्छा अभी हमने 14 कर लिया ना, अब 15 है। देखो इनकी पैटर्न से कर लेना, 15 है डैश नमा, ठीक है। तो क्या जब हम नमा करते हैं, ठीक है, गिनीवी को, तो हम शुरू में अगर एक ही वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा लगाया जाता है, गणेशाय नमा, गणेशात नमा या गणेशम नमा या गणेश नमा, सोच लिया आपने आंसर, इसका आएगा गणेशाय नमा, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हम 16 क्वेश्चन देखेंगे उसमें। तो हमारा टॉपिक है वाक्येषु प्रकृति प्रत्यय संयोजम विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्प भे चिन्हित। मतलब हमें यहाँ पर प्रत्यय को या तो उसमें जोड़ना है या उसे हमें अलग करना। प्रत्यय आपको पता ना पीछे लगते हैं, तो वही हमें करना है। तो सबसे पहले 16 क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन में है यहाँ पर, चंदन चिंतयति अहम क्षीरम वी प्लस क्री प्लस लेप। आपको इसमें मतलब क्षीरम उसे बेच रहा है, अधिकम धनम संपादयामी इति। मतलब सोच रहा है कि भाई अगर इसको बेचूंगा ना खीर को, दही खीर को, तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो और अब मुझे बताओ, इसको जोड़ लयब जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा। जब लयब जुड़ता है तो क्या होता है, प्रत्यय में जब लयब जुड़ता है तो क्या होता है, तो इसका आएगा विक्रिय, ठीक है। ये विक्री, ये अ ये जुड़ जाएगा इसमें लयब में, ठीक है। ये देखिए, क्लियर हो गया, ठीक है। ई और यह सब यह जुड़ गया, ठीक है। विक्री था और छोटी की मात्रा हो गई, देखो यहाँ था ना ई बड़ी की मात्रा, छोटी की हो गई और सिर्फ यह जुड़ गया, तो पीछे जुड़ता है, ठीक है। हिंदी की तरह नहीं हो तो जो बिल्कुल सिंपल कर दोगे, नहीं नहीं छोटी की नहीं है सॉरी, ठीक है, बड़ी ई की ही है, बड़ी की मात्रा चेंज नहीं हुई, ठीक है, बड़ी ई की रहेगी, ओके। उसके बाद आ जाइए 17 क्वेश्चन पर, एक बार दोबारा बता दो, इसका आंसर गा है, ठीक है। अब आ जाइए 17 पर, 17 में आपको जोड़ के दे दिया टाड ये तवा। अब आपको क्या करना है, इसको ना अलग करना है। ये जो त्वा लिखा है ना, त्वा, ये कौन सा प्रत्यय इन चारों में से आपको छांटना है, बताइए कौन सा है। त्वा जो होता है वो किस में होता है, देखिए इसमें त्वा लिखा है ना, तो क्या है, कतवा। तो ये मुझे पूरी में से सबका ठीक होगा और बाकी और भी ठीक होंगे जो बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए 18 क्वेश्चन पर, जो 18 क्वेश्चन है, पहले 18 देखते हैं उसके बाद देखेंगे पेज आगे पीछे, ठीक है। 18 पढ़ा रहा हूँ मैं, तो 18 में बोला है ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। तो ये जो प्राप्य है ना, तो ये कौन सा है, आप देख सकते हैं ना इसमें य आ रहा है, और जब य आता है हमने करा था ना, जोड़ा था ना लैप को, तो अब तोड़ेंगे तो इस तरीके से इसका प्र जमा आप जमा लैप आएगा। इसमें लास्ट के अक्षर को थोड़ा याद रखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद 19 देखते हैं, 19 क्वेश्चन है, ये दू जमा तुमन जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो इसका क्या हो जाएगा, सोचें, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, दोगधुम हो जाएगा, ठीक है। ये जो तुमन लगता है ना, तो खाली इस ना नहीं लिया जाता, माँ को जरूर लिया जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है। बहुत इजी होते हैं, काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। अब 19 हो गया ना, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 6 क्वेश्चन का, उसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए,
हमारा ही क्वेश्चन है ना सिक्स्थ, इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला गया है कि ना आपको संख्यावाचक पदानी बताने हैं, संख्यावाचक है, ठीक है, संख्या। मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया था ना, तो सारे इसमें आ जाएंगे, आपको पेपर करने में और समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। जितने भी बच्चे CBSE से कर रहे हैं, जिनके पास NCERT है, वो सबके लिए वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। आप फटाफट देखिए इसका आंसर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 20 क्वेश्चन देखो। देखिए जल्दी बताइए क्या होगा, ये जो 10 है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनमें से, ठीक है, कौन सा है जल्दी बताइए। नरस्ते हस्तयो प्राय 10 क्या आएगा, 10 अंगुलय भवंती, कि जो नर होता है ना मनुष्य, उसके हाथ में 10 उंगलियां होती हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। तो बहुत इजी था, देखो यहाँ तो 9 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो 10 तो यही हुआ ना, 10 है ना। अब 21 देखिए, 21 में देखिए यहाँ बोला गया कि एकस्मिन मासे प्राय 30, में हिंदी में बोलूँगा 30 दिनानी भवंती, तो आंसर बताइए कि 30 को क्या बोलते हैं। हाँ, 30, ठीक है, ये तो मुझे पता सबका ठीक होगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वें में बोला गया बालक 3 फलानी खादती, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा, 3 को क्या बोलते हैं, त्रय। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, वीडियो को लाइक करें अगर ये मेरे एफर्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, 7वां क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें हम 23वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए 7वें क्वेश्चन में हमसे बोला गया है वाक्येषु उपसर्गान चित्वा विकल्पे चिन्हत, देखो अभी हमने प्रत्यय करे थे ना, अब उपसर्ग है आगे जो लगाना है, ठीक है, तो अब बहुत ही ईजी है। अब फटाफट करते हैं 23 क्वेश्चन। देखिए अतिथि छात्र भय पारितोषिकम वितरति अत्र का उपसर्ग। अब आपको बोला गया कि यहाँ पे जो वितरती लिखा है ना, इसमें उपसर्ग कौन सा है, ये तो बहुत ईजी है ना, जल्दी बताइए क्या होगा इसका। जिन्होंने वी कहा है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है 24, ये पेज आगे पीछे होने की वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो इसलिए गलत पढ़ लिया था। उसके बाद पुत्री मातरम अनुगच्छति अत्र का उपसर्ग अस्ति, आपको अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग नज़र आ रहा है जल्दी से बताइए। 24 बहुत ईजी है, अनु, मुझे पूरी उम्मीद है सबका ठीक होगा। अब इसको 25 देखिए, ठीक है, 25 ये क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये जो नी वार यंती लिखा है ना, इसमें आपको उपसर्ग बताना है, जल्दी बताइए कौन सा उपसर्ग होगा इसमें, इसमें होगा घ, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, और ASC स्टार्टर, ठीक है, जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 25 हो गया, अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन, उसके अंदर हम करेंगे 26। ये कह रहा है कोष्ठक गत पदानी आश्रित प्रश्नवाचक पदम चिन्हित, ठीक है। अब आपको ये आपकी बुक से है, ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका प्रश्न क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 26 है ना, तो आप पहले 26 देखिए, यहाँ बोला गया स्वर्ण काकम सोने का जो कौवा है निवारयंती बालिका पार्थियत, तो उसने प्रार्थना स्वीकार कर ली थी ना, ठीक है, लड़की की, तो अब आप बताइए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर स्वर्ण काकम है, यहाँ आएगा कम, ठीक है। उसके बाद अब 27 देखिए, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, तो जो लुब्धा वृद्धा थी ना, जो लालची थी
है ना, वो स्वर्ण के रहस्य को जो है वो जान गई थी। तो क्या यहाँ पे आपको बताना वृद्धा, तो लुब्धा वृद्धा कौन थी, तो का आएगा यहाँ पर, ठीक है। और स्त्रीलिंग के लिए तो आगरंडा लगाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, का। उसके 28 देखिए, फिर मोदकानी पुजानी मितानी रचितानी आसन। तो अब आपको इसमें मोदकानी की जगह आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, जब कानी लिखा ही आ गया तो ये तो आसान ही था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से हिंट लिया करो, ठीक है। जैसे हमने पहले भी देखा था, वो आगरंड मैंने स्त्रीलिंग का बताया था, जब भी गिनती आ जाता है तो कति लगाया जाता है, तो कुछ चीज़ों को याद रखो, ठीक है। 29 देखो, अब 29 में यह है, खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती। अब आपको यहाँ खलानाम लिखा है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे इसका प्रश्न क्या बनेगा, ठीक है। तो नाम, जैसे नाम आ रहा है तो ये केशाम, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर का था, ठीक है। तो 29 का क्या हो गया, का हो गया। अब 30 देखिए, 30 जो क्वेश्चन है वहाँ लिखा है, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। तो यहाँ पे स्वम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाकी इसकी हिंदी अगर आपको अच्छे से पता तो आप आराम से बना लोगे, कर लोगे। तो यहाँ क्या आएगा, इसमें किम आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें, किम, किम श्रुत्वा अवधार्यताम, ठीक है। अब आ जाइए 31 पर, जो 31 है ना, उसमें आपको वाक्येषु कोष्ठ गत पदानाम प्रसंगानुसारम अर्थम चुनित। मतलब अब आपको क्या है चुनित, आपको क्या करना है कि आपको ब्रैकेट में जो बोला होगा आपको उसके अनुसार जो है उसका आंसर देना है। जैसे विलोम शब्द बोला है, सेम मीनिंग बोला है, ठीक है। तो जो बोला है उसके अनुसार आपको उसका अर्थ बताना है। मतलब यहाँ अर्थ बोला है तो सेम मीनिंग ही बोल रहा है। जैसे वृत्तम लिखा है तो वृत्तम का आपको मतलब बताना पड़ेगा। पहले हम 31 करेंगे क्योंकि पेज काफ़ी उल्टे सीधे, तो उससे प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नादंती सस्यम खलु, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वारी वाह दे रखा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो वारी वाह है इसका अर्थ क्या होता है। जिन्हें चैप्टर पढ़ा है वो आराम से बता पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका है मेघा, ठीक है। वारी आपको पता ही है, जो बादल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 32। 32 में बोला है, नी नादे वीणाम अय वाणी वीणाम। तो ये जो वाणी है ना, ये किसके लिए हुआ है, किसकी बात की जा रही है, सरस्वती माता की। तो यहाँ सरस्वती आंसर है इसका, ठीक है। ये मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, वीडियो रोक ला करो ना, जैसे मैं पेज दिखाऊँ फिर आंसर बताया करो। 33 देखिए, क्योंकि कई बार ना बच्चों को क्वेश्चन नहीं पता होता कि उसमें करना क्या है, अगर पता लग जाए तो बच्चे उससे भी अच्छे से कर लेते हैं। इसलिए मैं एक आपको क्वेश्चन भी अच्छे से बता रहा हूँ कि जैसे दुहिता लिखा है, आपको सेम मीनिंग बताना है कि दुहिता का सेम मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अब आप बताइए इसमें क्या है, दुहिता किसे कहा जाता है। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तो ये दुहिता कौन है, दुहिता बोलते हैं बच्चों पुत्री को, बेटी को बोलते हैं, ठीक है। 33 आ गया इसका। उसके बाद आ जाइए 34 पर, 34 में वृत्तम यत्नेन संक्षेत। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, वृत्तम किसे कहा जाता है, आचरणम को, मतलब जैसा व्यवहार करोगे, ठीक है, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो आचरणम, अच्छा आचरण रखो हमेशा, ठीक है। 34 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 10वां नंबर का, ओके। 10वें क्वेश्चन में बोला है, भाषिक कार्य संबंधानाम प्रश्नानाम उत्तराणी विकल्प भे चिन्हित। मतलब अब आपको ना भाषिक कार्य के रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब आपको बोला जाएगा पर्यावश्यक बताइए, ठीक है, उसका विलोम शब्द बताइए, वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है, पहले 35 देखते हैं, ठीक है, 35 देखते हैं पहले। तो 35 में बोला गया है आपको, बताइए आंसर क्या होगा, वसंते लसंती सरसा रसाला अत्र आमरा शब्द से का पर्याय प्रयुक्त।
मतलब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो आमरा है ना, आमरा, ठीक है, उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है, आम्र जो है ना, आम, इनमें से कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है जो आम के लिए यूज़ हुआ है। बसंत के मौसम में जो है, ठीक है, रसाला होते हैं, ठीक है, रसाला मतलब आम, ठीक है, ये इसका आम रहेगा। समझ में आ गया कैसे करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 35 के बाद आ जाइए 36 पर। 36 में बोला है मदिया माता अतीव निर्धना विद्यते, ठीक है। अब यहाँ बोला कि जो निर्धना है ना, इसका विशेष्य आपको बताना है, मतलब विशेष्य मतलब पता क्या है, ये जो निर्धना है वो किसके लिए यूज़ हुआ है। पूरी लाइन में आप बताइए कि जो जो निर्धना है वो किसके लिए यूज है, कि मदिया माता जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अति निर्धना विद्यते, मतलब निर्धन है, ठीक है। तो ये निर्धन जो है ना वो किसके लिए हुआ, माता के लिए हुआ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आप आंसर भी आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो विशेष्य बोला है, विशेष्य मतलब ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो ये शुरू में ही होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, हो गया ना। अब आगे देखिए 37 पर देखते हैं, इसका आंसर मैंने बता दिया, माता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, त्वम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, पढ़ लिया। अब ये कह रहा है कि जो शीघ्रम है ना, उसका विलोम शब्द क्या है, तो आप सबको पता होगा कि शीघ्रम इति पदस्यम की किम विलोम पदम। देखो इस पूरी लाइन में से आपको बताना है, पर इस लाइन में तो शीघ्रम ही लिख के आ गया, तो इसका मतलब इस लाइन में हमें वो आंसर नहीं दे रखा। हमें अपने दिमाग से सोचना है कि जो शीघ्रम है ना, ठीक है, इस पद में उसका विलोम शब्द क्या है, तो हमें इस पद में नहीं दे रखा, आपको खुद बताना है। तो शीघ्रम का क्या होता है आप बताइए, शीघ्रम मतलब तेज़ी से, और मंदम मतलब बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मंदम आएगा। 37 हो गया, 38 देखिए। 38 जो क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया आत्मना प्रतिकुलानी परेशान ना समाचरेद, अभी हमने लाइन पढ़ी, ठीक है। अब इसने बोला कि यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, क्रियापद पता ना, जो भी काम हो रहा होता है, जो भी हम काम करते हैं, पढ़ना खेलना दौड़ना पीना नाना करना देखना मुझे करना, तो जितने भी दुनिया के काम होते हैं, तो अब आपको संस्कृत में इसमें देखना है कि कौन सा है, और जो क्रियापद होता है वो लास्ट में ही होता है ज़्यादातर, तो समाचरेत इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए 39 पर, तो समझ आएगा क्रियापद कैसे ढूंढना है, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है। चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको एक लाइन का मतलब पता लग जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चार चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, सिलेबस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उसके बाद है 39, परोपकराए सताम विभुताए, तो यहाँ पर कह रहे जो विभुताए है ना, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जो विभुताए उसको क्या कहते हैं, तो विभुताए का मतलब क्या होता है आपको चारों में से बताना है, इसका होता है धनानी, ठीक है। तो 39 हो गया। अब उसके बाद आ जाइए लास्ट पर 40 पर, देखिए 40 एग्ज़ाम में तो आपके ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, जैसे 5 होंगे तो कुछ 4 करने होंगे, लेकिन इस पेपर में केवल आपको 40 क्वेश्चन थे, तो 40 दे रखे हैं। आप कितने नंबर बनेंगे प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो लास्ट है 40, तो इसमें बोला गया है नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, इस वाक्य में ना आपको उचितम इति पदस्य विलोम पदम किमस्ति, तो जो उचितम है ना, उचितम ये लिखा ना, उचितम, ठीक है। ये देखो इन्वर्टेड, ये इस तरीके से कोलन में लिखा, इसमें लिखा जाता ब्रैकेट में, ये देख रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड जो कॉमा है ना, तो इसका आपको बताना विलोम शब्द। तो ये तो बहुत आसान है, उचितम का क्या है, अनुचितम, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी वीडियो कंप्लीट होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और कोई भी सजेशन हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, और प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे डाले गए हैं, KVS का पेपर भी डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उनको ज़रूर देखना, प्रैक्टिस अपने अच्छे से करना, अपने आपको कॉन्फिडेंस में रखना। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली,
टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।